आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान किचन टिप्स, जिन्हें अपना कर आप अपना समय बचा सकते हैं। आम का अचार परांठे के साथ खाने से भूख बढ़ती है। अदरक वाली चाय पीने से शरीर में फुर्ती बढ़ती है। दही के साथ खजूर मिलाकर खाने से कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होती है। कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है। खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। नहाने के बाद सोया मत करो, दिमाग कमजोर हो जाता है। लोहे के बर्तन में कभी भी दूध मत पिया करो, हाजमा खराब होता है। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आप पुदीने की सुगंध लिया करें। अखरोट और केले का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है। ज्यादा चावल खाने से डायबिटीज की समस्या होने लगती है। अगर जुकाम का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो बहरेपन की बीमारी हो सकती है। कच्ची इमली के सेवन करने से दिमाग तेज होता है। रोजाना दही खाने से नींद अच्छी आती है। नाशपाती खाने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाती है। अगर कम सुनाई देता है तो उंगलियों पर नारियल का तेल लगाकर कानों में फेरे, सुनाई देने लग जाएगा। अगर सांस की समस्या आए तो हरी मिर्च खा लें, आराम आ जाएगा। पेशाब करके फौरन पानी ना पिया करें, वरना पेशाब पीला आएगा। नेल पेंट और लिपस्टिक को फ्रिज में रखें, इससे नेल पेंट सूखते नहीं है और लिपस्टिक ज्यादा समय तक चलती है। रात को सोने से पहले चाय पीने से परहेज करें, इससे पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। नीम के पेड़ की दातुन करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। साग के अंदर मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब जाने की समस्या दूर होती है और शरीर एकदम फिट रहता है। सोयाबीन कैंसर होने से बचाता है। पानी में हरी इलायची उबालकर पीने से बुखार में राहत मिलती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए। मसूर दाल खाने से दिल स्वस्थ रहता है। सरसों के तेल में नमक मिलाकर मालिश करने से छाती में जमी हुई कफ की गांठें निकल जाती हैं। सूखा पुदीना शरीर पर रगड़ने से दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। दर्द के स्थान पर राई का लेप लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। अनार हाजमे की बीमारियों को ठीक करता है और हाजमा ठीक रहता है। रोटी को दूध में डुबोकर खाने से बीमारियां नहीं होती और शरीर की चमड़ी बूढ़ी नहीं होती, शरीर स्वस्थ रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।